घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? क्या एक्शन लिया मेकर्स ने फिल्म के लीक होने के बाद? क्या पुष्पा के क्रू मेंबर्स को नहीं मिली फोन्स ले जाने की परमिशन? क्या ट्वीट किया मैथ्री मूवीज ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोस में। मैं हूं आपकी दोस्त और आज की वीडियो की होस्ट रंजनी। आइए बात करते हैं मूवी पुष्पा के बारे में, जो कि साउथ के फैंस के लिए एक बेहद ही खास फिल्म है। साउथ इंडस्ट्री की ये मूवी 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। फिल्म के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन के फैंस लगातार फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पेजेस पर एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। पुष्पा ऑर्डिनरली एक शानदार बजट के साथ बनाई जा रही पैन इंडिया मूवीज में एक है। इसमें एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अर्जुन के ऑपोजिट काम किया है। फिल्म 2 हिस्सों में बनेगी, जिसका फर्स्ट पार्ट क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगा। फिलहाल तो फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं हुई है, जल्दी फिल्म तैयार होगी और सभी व्यूअर्स देख पाएंगे थिएटर्स पर। हालात सुधरते हुए देखकर मेकर्स कह रहे हैं कि पुष्पा को सिनेमा हॉल्स में ही रिलीज किया जाएगा। मगर एक तरफ जहां फैंस इतने एक्साइटेड है, पुष्पा के सेट्स पर सभी टीम मेंबर्स बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में फिल्म के कुछ फाइटिंग सीन्स लीक हो गए थे। इस बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल दी थी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जानकारी के लिए हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। पुष्पा से जुड़े 2 लीक्स टाइम से पहले सामने आए। सबसे पहले फिल्म का रिसेंटली लॉन्च सॉन्ग डक्को डक्को मेका रिलीजिंग टाइम से पहले ही डिटोरिएटेड क्वालिटी में एक एनोनिमस वेबसाइट पर आ गया था। उस वीडियो को तो मेकर्स ने तुरंत हटा दिया था, लेकिन उसके बाद ही अल्लू अर्जुन की एक फाइटिंग सीक्वेंस भी लीक हो गई। 2 बार की गई इस वारदात को गलती तो नहीं कह सकती, तो इसलिए साइबर क्राइम पुलिस में इस पर प्रोडक्शन टीम ने हाल ही में एक केस दर्ज किया था। मिथ्री मूवी मेकर्स, जिसके बैनर के अंडर फिल्म रिलीज होगी, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि वो और टीम इस लीक से बहुत ज्यादा परेशान है और वो इस एक्टिविटी की निंदा करते हैं। उन्होंने जानने की कोशिश की है कि ये किसका काम है और ये जानने के लिए साइबर टीम लग गई है ये कोई आउटसाइडर है या क्रू का कोई सदस्य। मगर अब जब इतने बड़े प्रॉब्लम्स के जंगल में आप फंसे हैं, तो मेकर्स को भी फिल्म रिलीज करनी ही पड़ेगी, इसलिए शूट को बीच में रोका नहीं जा सकता। इसके फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन ने ये फैसला लिया है कि कोई भी क्रू मेंबर जो कि सेट पर मौजूद है, वो फोन कैरी नहीं करेगा। इससे कम से कम फिल्म को एक्सीडेंटल लीक से रोका जाएगा। क्या ये एक अच्छा स्टेप होगा फिल्म्स की लीक स्टॉप करने के लिए? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज।